हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है महज़बीन और आप है महज़बीन की छोटी सी दुनिया पे। सबसे पहले तो आई एम सॉरी क्योंकि मुझे बहुत टाइम लग गया वीडियो लाने में नया, लेकिन आज मुझे आपको दिखाने वाली है उसको देख के आप बोलेंगे कि यार ठीक है चलो माफ़ किया ये सब दिखाने के बदले में। तो मैं जिस जगह पे हूँ अभी उस जगह का नाम है रंगोली गार्डन्स और ये बेंगलोर के नॉर्थ साइड का आया हुआ है। बेंगलोर से ऑलमोस्ट बाहर ही लगा मुझे। तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा एक म्यूज़ियम और मैंने उसकी कुछ फ़ोटोज़ देखी थी ऑनलाइन, तो बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा था। इसमें शायद दिखाया ऐसा गया है कि 100-200 साल पहले कर्नाटका के लोग जो हैं वो कैसे यहाँ पर रहते थे और उनकी लाइफ कैसी थी, वो लोग कैसे जीते थे, उनकी बेसिक लिविंग के लिए वो लोग क्या करते थे, कैसे कमाते थे, वो सब चीज़ें जो है वो यहाँ पे छोटी छोटी डिटेल्स के साथ दिखाई गई है। तो हम भी अंदर चलते हैं और चेकआउट करते हैं कि एक्चुअली में ये कैसा है, कितना एक्साइटिंग है। सो लेट्स गो इन। तो आज मैं आई हूँ ऐसी जगह जो शायद हम में से कई लोगों की बचपन की यादें ताज़ा कर देगी। ये जगह हमें बरसों पुराने टाइम में वापस लेके जाएगी। जी हाँ, मैं आज आई हूँ बेंगलोर के रंगोली गार्डन में। करीब करीब 4 एकड़ में फैला यह गांव का मॉडल आपको कर्नाटका की पुरानी लाइफ के बारे में तो बताएगा ही, लेकिन साथ में आपको शायद टाइम मशीन में डाल के आपको अपनी पुरानी यादों में ले जाए। ये रंगोली गार्डन झाकुर में है और झाकुर जो है वो नॉर्दर्न बेंगलोर के पास आता है। यहाँ तक आने में थोड़ी तकलीफ हुई क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इतनी फैसिलिटी मुझे दिखाई नहीं दी। मेरे घर से हर जगह दूर दूर होती है तो सेम प्रॉब्लम आज भी थी। व्हाइट फील्ड से यहाँ तक का डिस्टेंस करीब करीब 20 किलोमीटर जितना था और हम यहाँ ऑटो में आए। बात करें इस जगह की तो कहा जाता है कि इस रंगोली गार्डन में रूरल कर्नाटका की जिंदगी दिखाई गई है, मतलब कि 100-200 साल पहले यहाँ के लोग कैसे रहते थे, कैसे काम करते थे वो सब। यहाँ पे कुछ 1000 जितने स्कल्पचर्स रखे गए हैं जो आपको गांव की जिंदगी से रूबरू कराते हैं। यहाँ पे आपको पुराने जमाने का आर्किटेक्चर, लोगों की खाने पीने की हैबिट्स का भी पता चलेगा। आर्किटेक्चर तो इतना कमाल का है कि आपको लगेगा कि आप कोई रियल गांव की विजिट पे हो। मैं कहूँगी कि आज की जनरेशन के लिए और स्पेशली बच्चों के लिए तो ये जगह आई ओपनर है। ये सब इतना ब्यूटीफुली तैयार किया गया है कि देख के हम भी चौंक जाते हैं। जैसे जैसे हम अंदर गए तो लगा जैसे टाइम रुक सा गया है। गांव की ये जो थीम है वो बहुत ही ध्यान से क्यूरेट की गई है। ये स्कल्पचर बहुत ही रियलिस्टिक लगते हैं और अमेजिंगली हर डिटेल्स इसमें कैप्चर की गई है। लोगों को समझ में आए इसके लिए हर इंस्टॉलेशन के सामने डिस्क्रिप्शन रखा हुआ है, उससे हम जान सकते हैं कि ये जो लोग दिख रहे हैं वो लोग कौन है और अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कैसे जीते थे। ये देखिए, गांव के स्टार्टिंग में ही है ये ब्राह्मण हाउस जिसमें वैदिक पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। हमें यहाँ पे टेलर की शॉप, ग्रोसरी की दुकान, बार्बर शॉप, कारपेंटर जैसे बहुत सारे मॉडल्स की झलक देखने को मिली। ये सब देख के आपको नहीं लगता कि यार इनकी लाइफ कितनी सिंपल थी। आज हम इतने मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन जिंदगी की जो असली मिठास थी वो तो कहीं गुम ही हो गई है। ये देखिए, जब बच्चा रो रहा है तो माँ उसे कैसे सुला रही है। पहले पहले जब एक बच्चे के रोने की आवाज हमें सुनाई दी तो हमें लगा सच में कोई बच्चा रो रहा है, लेकिन ये तो ये बच्चा था जो एकदम असली ही लगता है। इन बच्चों को देखिए कितने मजे से गेम खेल रहे हैं। गुजरात में हम इसे ठेरी बोलते हैं, आपके यहाँ इसे कौन से गेम बोलते हैं बताइए कमेंट में। ये भी बताइए कि आपने इसको कभी खेला है या नहीं। इस मॉडल गांव में कहीं लेडीज बातचीत करती दिखाई देती है तो कहीं अपने बच्चों को मालिश कर रही है। कोई कुएं से पानी निकाल रही है तो कोई अपने बच्चे को नहला रही है। कहीं बार बार डोरस्टेप सर्विस देते हुए दिखते हैं तो कहीं पे अकाउंट्स के बारे में गहराई से चर्चा करते हुए मुनीम जी दिखाई देते हैं।
और ये मास्टर जी की स्कूल कैसे छूट सकती है? देखिए मास्टर जी कन्नड़ भाषा में बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। गांव हो और पंचायत ना हो ऐसा तो हो सकता है। देखिए रंगोली गार्डन में बने मॉडल विलेज की स्पेशल पंचायत। इस गांव में आपको ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स भी दिखाई देगा, जैसे कि ये देखो कुश्ती। कुश्ती एक जमाने में बहुत ही लोगों का फेवरेट स्पोर्ट हुआ करता था, तो उसकी झलक भी यहाँ देखने को मिली। और देखिए तो सही, इन पहलवान के बाइसेप्स और ट्राइसेप्स अपने बॉलीवुड हीरोज से कम है क्या? और कर्नाटका के गांव में कर्नाटका का स्पोर्ट्स कैसे भूल सकते हैं? ये है कंबाला, जिसमें एक्चुअली भैंसों की रेस होती है। अगर आपको नहीं पता कि खेती कैसे होती है, तो खेती के लिए भी यहाँ पे एक अलग से डिपार्टमेंट है, जिसको दिया गया है ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम। तो अंदर चल के देखते हैं कि खेती के लिए यहाँ पे क्या खास है और एक ज़माने में किसान खेती कैसे करते थे। जैसे खेती का ट्रेडिशन तो सेम ही रहता है, लेकिन देखते हैं कि कर्नाटक के किसान कुछ अलग तरह से खेती करते थे। यानी लेट्स गो इन। खेत में हमें किसान और उनके जरिए दिखाया गया है कि खेती कैसे होती है। इसमें किसान हल चला रहे हैं, बीज डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, सब कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे किसानों की एक मार्केट भी दिखाई गई है, जहाँ पे किसान प्राइस और क्वालिटी के लिए बार्गेन करते नजर आते हैं। मार्केट की हसल एंड बसल होती है, उसे भी यहाँ पे ब्यूटीफुली कैप्चर किया गया है। किसानों की मार्केट के साथ यहाँ पे उनकी गाय भैंस बैल की लेन देन करता हुआ भी मेला था, जहाँ पे लोग खरीदते या बार्गेन करते हुए देखने को मिले। बेंगलोर में ये जगह मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। अगर आप बेंगलोर में हैं तो आई थिंक आपको ये एक बार तो विजिट करना ही चाहिए। यहाँ पे ये मॉडल गांव देखने के लिए टिकट लेनी पड़ती है, जिसकी प्राइस है 150 रुपीज पर पर्सन, और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उसकी प्राइस है 100 रुपीज पर चाइल्ड। इस जगह को अच्छे से घूमने के लिए आपको मिनिमम 1 घंटा तो चाहिए होगा, और उसके हिसाब से आप अपनी ट्रिप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। एनीवे चलिए, अभी घूम घूम के भूख लग गई, तो अब कुछ खाना भी खाते हैं। ये है इस गार्डन के अंदर लोकेटेड प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, जिसमें आप स्वादिष्ट कर्नाटका का ऑथेंटिक खाना खा सकते हो। लेकिन हमने ऑथेंटिक खाना नहीं खाया और हमने ऑर्डर किए दाल फ्राई और जीरा राइस। तो चलिए चीयर्स। खाना खा के हमने एग्जिट लेने के टाइम पे यहाँ पे एक मंदिर का मॉडल भी देखा, तो साथ में देखिए एक छोटी सी मार्केट जैसी जगह, जहाँ पे आपको ट्रेडिशनल चीजें मिलेंगी जो आप खरीद सकते हो।
उसके सिवा बच्चों के एंटरटेनमेंट का भी पूरा इंतजाम है। तो खा पी के हमारा रंगोली गार्डन्स का जो टूर है आज का वो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप कोई अपडेट मिस करें। सो एनीवेज आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और हंसते रहिए और मेरे वीडियोज़ देखते रहिए। बाय बाय।